सिंगरौली कोल माइंस के लिए खनुआना या टोला, झलरी, वेलवार, सिरसा, मझोली सहित अन्य कई गांवों को एपीडीसी लिमिटेड कंपनी के द्वारा कोयला खदान खोलने के लिए लिया जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की जमीन लोगों को बहला फुसला कर ली जा रही है। कायदे से इसके लिए पहले ग्राम सभा होनी चाहिए थी। संविधान के अनुच्छेद अनुसार ग्राम सभा किए बगैर जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाना गलत है। धारा 4 एवं धारा 6 का नोटिस ग्रामवासियों को नहीं दिया गया। डायरेक्ट धारा 9 का नोटिस देकर कंपनी मुआवजा देने के लिए मनमानी कर रही है। बेशकीमती जमीन के मुआवजे के तौर पर औने पौने दाम लगाकर विस्थापितों को जबरन मुआवजा लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामवासियों का आरोप है कि एपीएमडीसी कंपनी अपनी राजनीतिक पकड़ का हवाला देकर लोगों को डरा धमका रही है। कंपनी के मनमाने रवैये से परेशान विस्थापितों ने सिंगरौली कलेक्टर को ज्ञापन देकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं विस्थापितों का कहना है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो सभी विस्थापित ग्रामवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले भूख हड़ताल पर आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। जी, ज्ञापन देने आए हैं सर आज हम लोग। हमारा हम लोगों का जमीन फंस रहा है झलरी, मझौरी, डोंगवार, खनुआ, जमगढ़ी में जी, जो कि बिना ग्राम पंचायत सभा किए बगैर और धारा 13 के अनुच्छेद के तहत बिना पंचायत किए हुए ये लोग जमीन ले रहे हैं और हम लोगों को धारा 4 और धारा 6 के नोटिस भी नहीं दिए हैं। डायरेक्ट धारा 9 का नोटिस देके जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर दबाव बना के पैसा लेने पर मजबूर कर रहे हैं और जमीन हमको देने पर। जमगढ़ी में लोग मौजा पैसा ले चुके हैं, अभी झलरी मझोरी बचा है, यहाँ भी लोग इसी प्रकार से हमारे आदिवासियों के पास दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, एक सप्ताह के अंदर निराकरण कर लिया जाए अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाएंगे। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेन दुबे की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले की सड़कों पर बढ़ते हादसों को लेकर एसपी दीपक शुक्ला ने ट्रांसपोर्टरों की बैठक ली। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। इसके अलावा हादसों पर विराम लगाने, बीच शहर में वाहनों की स्पीड पर नियंत्रण रखने की नसीहत भी दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक में दर्जन से अधिक ट्रांसपोर्टर उपस्थित रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने दो टूक कहा कि बढ़ते सड़क हादसे में ओवरलोड गाड़ियां प्रतिबंधित मार्ग से कोल परिवहन का संचालन न कराए। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने ऑन रोड सेफ्टी के संबंध में निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य है। जारी निर्देशों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या कम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए जिनके सख्ती से पालन किया जाना है। साथ ही कोल परिवहन में लगे वाहनों के आवागमन हेतु आगामी जिला स्तरीय बैठक में रूट निर्धारित किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के मैनेजर द्वारा कोयला परिवहन की शर्तें एनजीटी के नियमों का अवलोकन कर पूर्णता पालन करने हेतु शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। उक्त बैठक में जिला परिवहन अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, विंध्यनगर तहसीलदार, सिंगरौली खनिज निरीक्षक, यातायात प्रभारी, सूबेदार तथा अन्य पुलिस अधिकारी शामिल रहे। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेन्द्र दुबे की रिपोर्ट।